माननीय श्री मुलायम सिंह जी ने अभी जो बात यहाँ पर कही है, और मुझे अच्छा लगा कि लालू जी आज उनका समर्थन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए भले ही उन्होंने समर्थन न किया हो, लेकिन आज समर्थन कर रहे हैं, पता नहीं किस बात के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उन मुद्दों की ओर जो आज भी सदन की मर्यादा के विरुद्ध यहां पर बातें हो रही हैं और किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा पूरे देश को। अयोध्या में तीन प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं, पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी। और महोदय उसी परंपरा के अनुसार 84 कोसी परिक्रमा देश के संतों ने प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 10,000 संतों ने वहां पर तय किया था, और उसी के अनुसार परिक्रमा का यात्रा का कार्यक्रम तय हुआ था। महोदय मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय के बाद स्थगन आदेश दिया है, उससे 25-30 किलोमीटर दूर बस्ती जनपद के मकोड़ा नामक स्थान से जहां पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उस स्थान से इस परिक्रमा यात्रा को प्रारंभ होना था। और विशुद्ध धार्मिक यात्रा थी, इसमें किसी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं था, बिल्कुल 200-250 संतों को यात्रा में चलना था, और 13 सितंबर तक ये 20 दिन की यात्रा है। लेकिन जिस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रहार किया है, महोदय पहली बार देखने को मिला है कि लगभग 2,000 से अधिक संतों को गिरफ्तार किया गया है और पूरी तरह अपमानित किया गया है। यहां तक कि अयोध्या जी में सरयू जी का स्नान करने वाले जो संत ऐसे हैं जो केवल सरयू जी का स्नान करते हैं, उसी का जल का ग्रहण करते हैं, उन्हें वहां सरयू जी का पूजन नहीं करने दिया गया, स्नान नहीं करने दिया गया, जबरन उठे उठा करके बंद कर दिया गया, उन पर लाठियां चलाई गई हैं, पूरी तरीके से अपमानित करके। सबसे पहले तो सरकार ने हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन किया है। दूसरा, जहां तक स्थगन आदेश की बात है, मैं याद दिलाना चाहूंगा इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले उन सभी दलों को, 1994 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था और ये कहा था कि अगर तय हो जाएगा अयोध्या में विवादित जो ढांचा था वह ढांचा किसी हिंदू मंदिर या स्मारक को तोड़ करके बनाया गया है तो हिंदू भावना के अनुरूप कार्य होगा। आखिर यह साबित हो चुका है, अयोध्या में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ की पूर्ण पीठ ने जो फैसला दिया है उसमें तीनों जजेस ने एक स्वर से कहा है कि विवादित भूमि ही राम जन्मभूमि है, और जब विवादित भूमि राम जन्मभूमि है तो फिर उसके लिए कानून बनाने की मांग इस देश का संत समाज कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है। हम अपने हक को मांग रहे हैं और हम यही मांग कर रहे हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, कानून इस सरकार को लाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने उस समय दाखिल किया था और उसी क्रम में हम मांग कर रहे हैं। और संतों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, उनके धार्मिक यात्रा को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, और किस इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले उन सभी दलों को 1994 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दिया था और ये कहा था कि अगर तय हो जाएगा कि अयोध्या में विवादित जो ढांचा था वह ढांचा किसी हिंदू मंदिर या स्मारक को तोड़ करके बनाया गया है तो हिंदू भावना के अनुरूप कार्य होगा। आखिर ये साबित हो चुका है, अयोध्या में 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंड पीठ की पूर्ण पीठ ने जो फैसला दिया है उसमें तीनों जजेस ने एक स्वर से कहा है कि विवादित भूमि ही राम जन्मभूमि है, और जब विवादित भूमि राम जन्मभूमि है तो फिर उसके लिए कानून बनाने की मांग इस देश का संत समाज कर रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा है। हम अपने हक को मांग रहे हैं।